तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनबॉक्सिंग वाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज आप अनबॉक्सिंग दोस्तों देखने वाले हैं पिट्रॉन की तरफ से आने वाले दोस्तों प्राइड एवो की। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा बजट रेंज के, मतलब यार 200 से भी नीचे का इसका प्राइस था, तो मैंने कहा चलिए देख लेते हैं बहुत ज्यादा बजट रेंज वाला। अगर आपका बहुत ज्यादा बजट कम है फिर भी आप एक ईयरफोन यूज करना चाहते हैं तो देखते हैं कैसा ये होने वाला है। पिट्रॉन ने इतने कम रेंज में इस तरीके का निकाला हुआ है, तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें मिलता क्या क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका स्पेसिफिकेशन और आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पर अनबॉक्स। तो बजट रेंज के यहाँ पर प्राइड ईवो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले इसकी पॉलिथीन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अच्छी पैकेजिंग में आते हैं ये इस बजट रेंज के हिसाब से भी। बाकी स्पेसिफिकेशन और ऑडियो क्वालिटी की हम भी बात करेंगे, पर सबसे पहले बॉक्स कंटेंट अगर हम देखें तो किस तरीके का हमें इसमें प्रेजेंटेशन देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, साथ ही में एक एक्स्ट्रा ईयर टिप आपको अंदर दिख जाएगी। यहाँ पर ईयरफोन्स कुछ इस तरीके के हैं जो कि पीछे से दोस्तों मेटल के बने हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये, इस प्राइस रेंज में आपको मेटल मिल रहा है दोस्तों, आप आवाज़ से समझ सकते हैं। और आगे की तरफ ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये यहाँ पर दोस्तों प्लास्टिक है, और ईयर टिप्स की क्वालिटी वही है दोस्तों, एवरेज है। और वायर क्वालिटी यार अच्छी खासी ठीक वायर मिल जाती है हमें, जो कि काफ़ी थोड़ा सेक्सी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और इतनी प्राइस रेंज में दोस्तों आपको यहां पर एक कॉल आंसर का बटन देखने को मिलता है, उसके साथ में ही दोस्तों यहां पर आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, माइक्रोफोन भी आपको मिल जाता है, और कुछ इस तरीके का गोल्ड प्लेटेड जैक है ये भी दोस्तों मेटल के साथ में आता है। तो काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी का आपको ईयरफोन मिल रहा है इतने सस्ते में, तो एक बहुत अच्छी बात है। फिलहाल देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसे होने वाली है, और साउंड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन। तो आशा करता हूँ अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। यहाँ पर बात करें तो अच्छी खासी आपको वायर मिल जाती है, आप देख सकते हैं लगभग 1 मीटर की तो वायर ये है ही, और थोड़ी बहुत टैंगल हो सकती है। और यहाँ पर बात करी जाए तो मेटल के ईयरबड्स हैं यार इस प्राइस रेंज में, लगभग 200 रुपये के करीब के ईयरफोन्स हैं ये, और इस प्राइस रेंज में आपको मेटल के ईयरफोन्स मिल रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आगे का जो ब्लैक वाला पार्ट है दोस्तों, मतलब आधे बर्ड्स मेटल के हैं और आधे बर्ड्स प्लास्टिक के हैं, तो खैर चलता है इतना तो चलता ही है। उसके बाद अगर हम जैक की बात करें, जैक भी ऑल ओवर अच्छा है, वायर क्वालिटी भी ओके है। तो बिल्ड क्वालिटी को मैं यहाँ 10 में से 7 नंबर दूंगा इसके प्राइस की वजह से, अदरवाइज अगर ये थोड़ा बहुत भी महंगा होता, 500 रुपये की रेंज में होता तो 10 में से 5 नंबर देता मैं इसको, पर इसके प्राइस की वजह से 2 नंबर बढ़ा दिए मैंने कि इस प्राइस रेंज में इसने दोस्तों यहाँ पर आपको माइक्रोफोन भी दे रखा है, और माइक्रोफोन में वॉल्यूम रॉकर्स भी दिए हुए हैं और कॉल आंसर करने का बटन भी दिया हुआ है, तो 10 में से 7 आई थिंक इसके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर ली जाए दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो ऐसा यहां पर बोला जा रहा है कि 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर इसमें देखने को मिलने वाला है, और 16 ओम का एम्पिडेंस आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, और साथ ही में दोस्तों बात की जाए तो 20 to 20 kHz तक की आपको इसमें फ्रिक्वेंसी रेंज मिल जाती है। साथ ही में वायर को यहाँ पर 1.2 मीटर बताया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है शायद हो सकता है दोस्तों वायर अच्छी खासी लंबी है, तो ऑल ओवर बहुत अच्छे हैं। अब साउंड की बात कर ली जाए, जिस चीज के लिए ईयरफोन लिया जाता है दोस्तों, ये सब तो हो गया, तो साउंड में भी यार इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, मतलब बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। लाउडनेस अच्छी खासी है, मतलब बाहर भी थोड़ी बहुत आवाज लीक होती है, लाउडनेस बहुत है, और मिड्स और हाइज बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे, बेस बहुत अच्छा है, और ट्रबल्स भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। साउंड यहां पर मैंने फटते हुए नहीं देखा है कि मतलब उसमें मैंने किसी तरीके का जेटर समझ में नहीं आया मुझे, तो वो बहुत अच्छी बात है, और इस प्राइस रेंज में इतनी क्लियर साउंड बहुत अच्छी बात है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप लोगों का थोड़ा बजट कम है और या फिर थोड़े से आप रफ यूजर हैं और बहुत जल्दी जल्दी ईयरफोन्स को तोड़ते रहते हैं, तो इस टाइप के ईयरफोन्स लीजिए और इसे 1 महीने में तोड़ के दूसरा मंगा लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, आप लोग जाके इसको खरीद सकते हैं या फिर इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चैनल दोस्तों देख के ही मत चले जाया कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।